आज हम सुनाने वाले हैं एक जादुई हंस की कहानी। एक जंगल में राजा जा रहे थे, बहुत ही घना जंगल, घनघोर अंधेरा। वहाँ पे उन्हें एक हंस दिखाई दिया। वो हंस बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिससे राजा ने उसको देखा और उनका मन द्रवित हो उठा। तो उन्होंने हंस को अपने हाथों में उठाया और महल की ओर चल पड़े। जब वो महल पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले उस हंस का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में हंस बहुत स्वस्थ हो गया और उड़ने लगा। वह तो एक जादुई हंस था जो राजा के परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर जंगल में पड़ा हुआ था। वह हंस राजा के दयालु स्वभाव से बहुत ही खुश हुआ और राजा को आशीर्वाद दिया कि आपके महल में बहुत अधिक खुशहाली हो जाएगी, इससे आपकी सारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहा करेगी। और वह राजा को अलविदा कह नमस्ते बोल के चला गया। कुछ ही दिनों में राजा के महल में बहुत ही खुशहाली हो गई, जिससे कि सारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की भलाई करना चाहिए। दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो निश्चित ही भगवान भी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। हमें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। बाय बाय।